पर घर में क्या गड़बड़ की आपने? बीएमसी तो नोटिस चिपकाया हुआ है कि गड़बड़ी आ रहे हैं करने के लिए। आप कल पहुंची थी, डर तो नहीं था ना कि बीएमसी के अधिकारी आ जाएंगे, घर तोड़ देंगे, ऐसा कोई मन में डर तो नहीं था? मैं डरने वाली होती तो यहाँ तक पहुँचती नहीं। बेखौफ बाहर निकली हूँ और बेखौफ लड़ने के लिए मैदान में उतरी हूँ। तो ना मुझे डर से कोई चुप करा सकता है, ना मैं चुप करूँगा। मुझे बेघर भी कर दिया तब भी रोड पे बैठकर यही हिम्मत से मैं आगे लड़ूंगी। हमारा एक ही घर है बॉम्बे में, अगर वो भी तोड़ना चाहते हैं तो उनके मुताबिक है ना। मैं बिल्डर हूँ, मैं तो कोई बिल्डर नहीं हूँ। मैंने तो फ्लैट बांधा नहीं है, बिल्डर ने बांधा है, परमिशन बीएनसी ने दी है, तो उनकी बीएनसी थी, उनके ही अधिकारियों ने परमिशन दी है। तो जवाब अगर पूछना है तो उनके लोगों को पूछना चाहिए, मुझे नहीं। कल मैं बात कर रहा था आपसे तो रवि जी ने और आपने दोनों ने कहा कि संजय राउत, अनिल परब और उद्धव जी, इनकी पूरी फाइल तैयार है, वो लेकर आए हैं दिल्ली में, देंगे दिल्ली में जो केंद्र की सरकार है उसको ब्रीफ करेंगे। क्या कुछ सूचना है मैम? जी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम किसी पे अननेसेसरी टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। हम बहुत परिवार एक ऐसे परिवार से हैं जो संघर्ष से ऊपर आया है, तो मुझे लगता है हमारा संघर्ष जब भी हम करते हैं तो सही राइट ट्रैक पे ही करते हैं। अगर कुछ हमारे हाथ में नहीं होगा तो हम अननेसेसरी कभी किसी के सामने नहीं बोलेंगे, पर आगे जरूर आके दिखाएंगे। मैं सुनता हूं, जब भी आप बाल ठाकरे जी का जिक्र करती हैं बड़े सम्मान के संग उनका जिक्र करती हैं, आप उनका जो पूरा इतिहास है उसको लेकर सम्मानजनक तरीका दिखाती हैं। उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री जी में ऐसी क्या कमी दिख जाती है, उनके हिंदुत्व में क्या ऐसी कमी दिख जाती है कि आप इतनी आक्रामक हो जाती हैं? मुझे लगता है कि आदरणीय बाड़ा साहब जी ने हिंदुत्व लोगों के लिए, हिंदुत्ववादी लोगों के लिए लड़ाई की, ना कि पद के लिए लड़े। इन्होंने हिंदुत्ववादी छोड़ दिया सिर्फ पद के लिए, तो ये फ़र्क है हिंदुत्ववादी के लिए लड़ना और हिंदुत्ववादी को छोड़ना और पद के लिए लड़ना, ये फ़र्क है उद्धव ठाकरे जी में और बाड़ा साहब ठाकरे जी में। तो मुझे लगता है हम मानने वाले हैं बाड़ा साहब ठाकरे को, ना कि उद्धव ठाकरे को। हम अपना हिंदुत्ववादी और हमारे जो संस्कार, हमारी संस्कृति, हम कोई पद के लिए नहीं छोड़ सकते। वो अंतर है उद्धव ठाकरे जी में, जो पद के लिए सब अपनी चीज़ें, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा सब छोड़ दिए, इसलिए उनके साथ में। और दो साल से हमारे महाराष्ट्र को कौन से दिशा में ला के छोड़ा है, ये तो उद्धव ठाकरे जी ही दिखा जो देख रहे हैं। ये तो मुझे लगता है मेरी ये 30-35 सालों में, 30-35 वर्षों की जिंदगी में पहली बार देखा कि महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की दिशा ऐसी हो गई कि मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय में दो साल जाता नहीं है, तो उसके उससे दुर्भाग्य क्या होगा हमारे। शिवसेना को लेकर इतनी आक्रामकता मतलब क्यों? सरकार में कांग्रेस भी है, एनसीपी भी है, कुछ नहीं बोलती आप शिवसेना? मंत्री तो शिवसेना का है, प्रमुख ही अगर गलत हो तो बाकियों को बोल के क्या होगा, प्रमुख सुधरना चाहिए तब पूरी। आप दिल्ली आ गई हैं, कोई मैसेज आप देंगी सरकार के लिए, शिवसेना के लिए, उद्धव ठाकरे जी के लिए? कैमरे की तरफ देखिए, कोई मैसेज, कोई बात आपको कहनी हो? जो सीपी ने जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जी के आदेश पे सब कार्रवाई की हैं, उनको मेरा एक सलाह ज़रूर रहेगा। आप एक महीने में रिटायर्ड हो रहे हैं, तो मैं जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं सबका बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, जान पे खेल के हमारे देश को और लोगों को बचाने का काम करते हैं। आपकी रिटायरमेंट हो जाएगी तो आप दूध के धुले नहीं बन जाओगे, आपकी भी चीज़ें बाहर आएंगी और रिटायरमेंट के बाद भी आपको उसकी सभी चीज़ों का उत्तर देना पड़ेगा। संजय पांडे जी ये याद जरूर रखना। देखिए तो नवनीत दादा उस वीडियो का शायद जिक्र कर रही है जो ट्वीट किया था, क्योंकि आरोप लगाया गया था कि पीने के लिए पानी नहीं मिला और खड़ा रखा गया, तो उन सब बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने जब बात कही तो सीपी मुंबई ने ट्वीट किया था जिसमें वो कुर्सी में बैठी हुई थी, पानी पी रही थी, उनके आगे चाय रखा हुआ, तो उन सब बातों का जिक्र करते हुए सीधे चेतावनी जो सीपी है मुंबई को, उनको भी, मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे उनको भी देती हुई नवनीत राणा दिखाई दे रही है। ABP News आपको रखे आगे।